हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आज हम वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ लीनियर और नी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर क्वेश्चन है सॉल्व मतलब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है डी स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स दिस वॉज आस्क्ड इन पी टी यू में टू जीरो जीरो नाइन तो आपको पता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हम देते हैं सी एफ प्लस पी आई से पहले मैं सी एफ फाइंड करूंगा उसके बाद पी आई तो सी एफ फाइंड करने के लिए मेरे लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन होना जरूरी है तो मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड करूंगा एफ ऑफ डी को मैं पुट करूंगा जीरो एफ ऑफ डी हमारा यहाँ पे है डी स्क्र प्लस ए स्क्र इज इक्वल टू जीरो अब इसके मैं रूट्स फाइंड करूंगा दैट्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू आयोटा ए ठीक है तो इसका रूट क्या है इमेजनरी तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा सी वन कॉस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स ठीक है अब मैं फाइंड करूंगा पर्टिकुलर इंटीग्रल वन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी हमारा कितना है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू टू आर एच एस आर एच एस है हमारा साइन ए एक्स ठीक है देखो जब भी हमारे पास यहाँ पे आर एच एस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है तो हम डी स्क्वायर की जगह पे पुट करते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू है ए e स्क्वायर है ना ए स्क्वायर जो एक्स का यहाँ पे कोफिशिएंट है जरा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पुट करो कितना आ जाएगा जीरो तो इसका मतलब है हम ट्रेडिशनल अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर सकते एक और अप्रोच है मैं साइन ए एक्स और डी स्क्र प्लस ए स्क्र को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करूँ अब आपको यहाँ पर याद क्या रखना है सिर्फ उसे फॉर्मूला ठीक है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेकिन यहाँ पे है डी स्क्वायेर प्लस ए दैट्स इक्वल टू डी माइनस आई और डी या डी प्लस आईओटा ए इंटू डी माइनस आईटा ए तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वन डिवाइड बाई इसके बदले मैं लिखूंगा डी स्क्र प्लस ए स्क्र इज इक्वल टू एक्स के बराबर होता है डी प्लस आयोटा ए इंटू डी माइनस आयोटा ए और आर एच एस में साइन ए एक्स है और आपको पता है साइन ए एक्स का फॉर्मूला होता है ये एक्चुअली फॉर्मूला है ठीक है ई पावर आयोटा ए एक्स माइनस ई पावर माइनस आयोटा ए एक्स

e पावर iota ax हमने इसे मल्टीप्लाई किया आगे बढ़ो यहाँ पे क्या है माइनस इसको भी करेंगे 1 डिवाइड बाय d प्लस iota a इनटू d माइनस iota a और यहाँ पे क्या है e पावर माइनस iota x ब्रैकेट को करेंगे बंद ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 iota देखो जब भी rhs में आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होती है तो हम क्या करते हैं d की जगह पे हम पुट करते हैं कितना a का वैल्यू और ए क्या होता है इस एक्स का कोफिशेंट अब यहां पे ए की जगह पे क्या है आयोटा ए ठीक है तो हम क्या पुट करेंगे डी की जगह पे आयोटा ए तो जब मैं ऐसा करूंगा डी की जगह पे आयोटा ए पुट करूंगा अगर मैं इस फंक्शन में मतलब अगर मैं इस ऑपरेटर के साथ डी इज इक्वल टू आयोटा ए पुट करो आयोटा ए माइनस आयोटा ए कितना आ जाएगा जीरो तो ये जीरो बन जाएगा तो इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको मैं लिखूंगा बाहर डी माइनस आयोटा ए क्योंकि जीरो बना रहा है इसके साथ हाँ ये वाला जो है डी प्लस आयोटा है ये यहाँ पे बनाएगा टू वन डिवाइड बाई टू आयोटा ए तो मैं इसको अप्लाई करूंगा सो इट विल बिकम वन डिवाइड बाई टू आयोटा ए क्लियर आगे ऐसे ई पावर आयोटा ए एक्स आगे बैठो अब यहाँ पर भी ऐसे ही होगा फुट डी की जगह पर क्या पुट करना है इस एक्स का कोफिशन दैट्स माइनस आयोटा ए ज़रा बताओ इन दो में से आप किस में पुट करोगे माइनस आयोटा ए जिसमें जीरो नहीं बन रहा है तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे ज़ीरो बनेगा तो इसको मैं बाहर लिखूँगा वन डिवाइड बाई डी प्लस आयोटा ए इसको मैंने बाहर लिखा हाँ जब यहाँ पर माइनस आयोटा ए पुट करोगे तो ये कितना बन जाएगा वन डिवाइड बाई टू आयोटा ए और माइनस ऊपर चला जाएगा ठीक है और यहाँ पे आ जाएगा ई पावर माइनस आयोटा ए एक्स ब्रैकेट को करेंगे हम बंद ठीक है आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये आ जाएगा वन डिवाइड बाई टू आयोटा यहाँ पे देखो देखो इसको मैंने सॉल्व किया इसको मैं ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा टू आईटा ए इसको ब्रैकेट के अंदर लाते हैं वन डिवाइड बाई डी माइनस आईटा ए और यहाँ पे ई पावर आईटा ए एक्स ये स्टप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ठीक है और यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व किया इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे ये जो माइनस है इस प्लस इस माइनस के साथ प्लस बनाएगा ठीक है टू आईओटा ए और इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा वन डिवाइड बाई डी प्लस आईटा ए और यहाँ पे e पावर iota a x ब्रैकेट को करेंगे बंद ठीक है तो काफी आसान है 1 2 iota देखो यहाँ पे यह ऐसे होगा जब भी आपके rhs में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होती है तो आप क्या पुट करते हो मैंने आपको पढ़ाया भी है d की जगह पे इस x का को कोफिशिएंट पुट करते हो iota a लेकिन जब आप यहाँ पे iota a पुट करोगे तो ये बन जाएगा 0

यहाँ पे आ जाओ जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर एच एस में हो तो हम डी की जगह पे क्या पुट करते हैं एक्स का को कॉफिशेंट यहाँ पे एक्स का को कॉफिशेंट कितना है माइनस आयोटा ए तो माइनस आयोटा ए प्लस आयोटा ए जीरो बनाएगा यहाँ पे भी केस ऑफ फेलियर आ जाएगा जब भी केस ऑफ फेलियर आ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आर एच एस में होता है तो उस सूरत में हम न्यूमरेटर को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा एक्स वर्ड बाय वन इज एक्स ठीक है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स और यहाँ पे आ जाएगा ई पावर माइनस आयोटा ए एक्स ब्रैकेट को करेंगे हम बंद देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं एक फॉर्मुला बना सकता हूँ हाँ बना सकता हूँ मैं मैं यहाँ पे पहले कॉमन निकालूंगा x यहाँ पे है यहाँ पे चलो इसको कॉमन निकाला हमने ठीक है और आगे हम आयोटा ए भी निकालेंगे कॉमन ठीक है और अंदर क्या बचेगा यहाँ पे ई पावर आयोटा ए एक्स यहाँ पे आ जाएगा प्लस ई पावर माइनस आयोटा ए एक्स डिडेड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा टू इसको हम करेंगे बंद देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको वापस ये वाली टर्म्स आ जाएंगे ठीक है और यहाँ पे ये बन जाएगा वन डिवाइडेड बाई टू आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई आपको पता है ई पावर आयोटा ए एक्स प्लस ई पावर माइनस आयोटा ए एक्स डिवाइड बाई टू होता है कॉस ए एक्स कॉस ए एक्स ये फॉर्मूला है ठीक है देखो कॉस ए एक्स और साइन एक्स में यही फर्क है कि एक तो यहाँ पे माइनस होता है ठीक है और नीचे आयोटा होता है लेकिन अगर हमारा कॉस साइन के मामले में सॉरी यहाँ पे माइनस होता है और नीचे क्या होता है आयोटा टू आयोटा हाँ अगर कॉस ए एक्स हो तो ऊपर प्लस होगा और नीचे आयोटा नहीं होगा ठीक है इट्स इजी वे टू रिमेंबर अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे टू आयोटो को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो ज़रा करो जब मैं टू आयोटो को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा एक्स नीचे बचेगा टू और आयोटा आयोटा कितना हो जाता है माइनस वन माइनस ऊपर चला जाएगा यहाँ पे आ जाएगा और नीचे बजेगा ए और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए एक्स ठीक है सो दिस विल बिकम ये है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको फाइंड का करना था कंप्लीट सॉल्यूशन वो है सी एफ सी एफ है हमारे पास सी वन निकाला है हमने कॉस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स प्लस यहाँ पे माइनस है एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू एंड विच इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज पी आई ठीक है एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई पॉन्डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी बाई पॉन्डी एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू साइन थ्री एक्स इसको हमें सॉल्व करना है मतलब इसका मुझे कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करना है दैट्स इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई और ये जो y होता है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ठीक है अगर यहाँ पे x होता और नीचे y होता तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी है या कोई भी वेरिएबल ले लो t तो हम लिखते हैं टी इज इक्ल टू सी एफ प्लस पी है अब चूंकि यहाँ पे y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए मैंने लिया y इज ईक्वल टू सी एफ प्लस पी है तो आगे बढ़ेंगे अब सी एफ प्लस पी आई सी एफ प्ले फाइंड करेंगे उसके लिए मुझे मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट शुड बी इन सिम्बॉलिक फॉर्म इसको जरा सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करो इट विल बी डी स्क्र माइनस टू डी प्लस फाइव और वाई को हम बाहर कॉमन लेंगे इज इक्वल टू साइन थ्री एक्स ठीक है तो अब मुझे चाहिए ऑक्जरी इक्वेशन और उसके लिए मैं क्या करूंगा पुट एफ ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो एफ ऑफ डी क्लियरली ये है तो मैं लिखूंगा डी स्क्र माइनस टू डी प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो इसके रूट्स हम निकालेंगे स्प्लिट बाय मिडल टर्म नहीं होगा हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं डी इज इक्वल टू माइनस बी बी कितना है टू ये प्लस बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है फोर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर इंटू ए इंटू सी दैट इज़ ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू एट इज़ टू और ये फाइनली बन जाएगा वन प्लस माइनस देखो यहाँ पे फोर माइनस ट्वेंटी इज माइनस सिक्सटीन तो ये बन जाएगा फोर आयोटा ठीक है और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू एंड दिस विल बिकम वन प्लस माइनस टू आई ओटा इसके रूट्स के अब निकले इमेजनरी कंप्लेक्स रूट्स तो कॉम्प्लेक्स रूट से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं पहले हम लिखते हैं ये ई पावर एक्स उसके बाद सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स और ब्रैकेट को मैंने किया बंद सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दिस

यहाँ पे आ जाएगा माइनस नाइन माइनस टू डी प्लस फाइव और यहाँ पे आ जाएगा साइन थ्री एक्स और यहाँ पे माइनस नाइन प्लस फाइव कितना आ जाएगा माइनस फोर माइनस फोर माइनस टू डी जरा माइनस को कॉमन निकालो ये आ जाएगा टू डी प्लस फोर और यहाँ पे साइन थ्री अब देखो यहाँ पे मेरे डिनोमिनेटर में सिर्फ डी है अगर डी स्क्वायेर होता तो मैं इस फॉर्मूला से डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस नाइन पुट करता लेकिन यहाँ पे d है तो मुझे इस d को एलिमिनेट करना है कैसे अगर मैं इस d को डी स्क्वायर बनाऊँ फिर उसके बाद मैं इसे पुट करूंगा माइंस्टाइन तो ये एलिमिनेट हो जाएगा तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि, कि मैं इस d को डी स्क्वायर बनाऊँ ठीक है हाँ अगर यहाँ पे d क्यूब होता d पावर फोर होता मतलब डी स्क्वायर से ज़्यादा तो मैं आराम से पुट कर सकता था यहाँ पर चूंकि डी स्क्वायर से कम है डी है तो मेरी यही कोशिश रहेगी मैं इसे डी स्क्वायर बनाऊँ वो कैसे आई विल रैशनलाइज दिस फ्रैक्शन तो मैं न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा टू डी माइनस फोर से ये बन जाएगा ये ऑलरेडी एक माइनस है ये बन जाएगा टू डी माइनस फोर और यहाँ पे बन जाएगा ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे है साइन थ्री एक्स इसको जरा ऐसे ब्रैकेट में रखो ठीक है यहाँ पे भी ऐसे तो अब देखो यहाँ पे डी आ गया अब मैं इसे पुट कर सकता हूँ पुट डी स्क्र इज इक्वल टू माइनस बी जो है नाइन तो ये बन जाएगा माइनस है यहाँ पे टू डी माइनस फोर यहाँ पे फोर इंटू नाइन कितना हो जाएगा माइनस थर्टी सिक्स डेट वी माइनस फिफ्टी टू और ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस फिफ्टी टू और यहाँ पे क्या है साइन थ्री एक्स ये जो माइनस है इस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा ओके okay, इसी स्टेप में कर लेते हैं इसको है ना अब जरा इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करो ठीक है यहाँ पे कर लेते हैं अच्छा यहीं पे कर लेते हैं तो ये बन जाएगा टू डी ऑफ साइन थ्री एक्स मतलब डिफ्रेंसियन ऑफ साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स और थ्री एक्स का अलग से डिफ्रेंसिएशन होगा दैट विल बी थ्री थ्री इंटू टू सिक्स और नीचे आ जाएगा फिफ्टी टू यहां पे और एक माइनस है और यहां पे आ जाएगा फोर डिवाइड बाई फिफ्टी टू साइन थ्री एक्स ठीक है तो अब जरा यहां पे इसको करो टू थ्रीज आर सिक्स टू टू ज़ा फोर टू सिक्स आर ट्वेल्व ठीक है और यहाँ पे टू टू हज़ार टू टू ज़ा फोर टू सिक्स आर ट्वेल्व टू वन जो टू टू वन जो टू थ्री हज़ार ठीक है तो ये फाइनली बन जाएगा यहाँ पे थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सिक्स और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थ्री एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई थर्टीन साइन थ्री एक्स ज़रा यहाँ से वन डिवाइड बाई ट्वेंटी सिक्स कॉमन निकालो दिस विल बिकम थ्री कॉस थ्री एक्स और यहाँ पे टू साइन थ्री एक्स सो दिस इज़ द पर्टिकुलर इंटीग्रल और आपको फाइंड क्या करना था कम्प्लीट सोल्यूशन दैट इकॉर्ड टू सी एफ सी एफ कितना है ई पावर एक्स इंटू सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स उसके बाद प्लस पी आई पी आई कितना है प्लस वन डिवाइड बाई ट्वेंटी सिक्स इंटू थ्री कॉस थ्री एक्स माइनस टू साइन थ्री एक्स ठीक है सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है आई होप आपको समझ आया होगा कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में बताना या आप मुझे मेल भी कर सकते हो दानिश डॉट सी जी सी एट जी मेल डॉट कॉम अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना थैंक यू